क्लास सेकंड बच्चों, आज मैं आपको यूनिट 8 कराने जा रही हूँ। यूनिट 8 में क्या है, ये है मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास यानी कि एक होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ की जो वो होती है वज़न कितना है ये नापते हैं, जिसको किस में नापते हैं, किलोग्राम और ग्राम में, केजी और ग्राम, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, 50 केजी, 20 केजी, 10 केजी, 5 केजी, 2 केजी, 1 केजी, यह है 500 की ग्राम, यह है ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम और 10 ग्राम। ये आपने कभी भी कोई सब्जी वाला सब्जी तोल रहा होता है या कोई चीनी तोलते हैं सब, तो इसी इन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा दुकानों पे। तो ये है मेजरमेंट ऑफ मास यानी कि कैपेसिटी। तो ये मैंने आपको पहले करा चुकी हूँ ये दो पेज, आज मैं आपको कराऊंगी पेज नंबर 152। ये क्या है, सिंपल एडिशन है, एडिशन सिंपल करने, सिर्फ इनके पीछे आपको आप क्या लगा देना है, किलोग्राम, यदि किलोग्राम है तो किलोग्राम लगा देंगे, यदि ग्राम है तो ग्राम लगा देंगे। जैसे 5 + 1 = 6, 5 + 0 = 5, 3 + 2 = 5। तो ये वाला पेज आपको पेज नंबर 152 फिल करना है। ठीक है, और 5 + 8 = 13। अब इसमें भी क्या होगा, जैसे सिंपल एडिशन के समय कैरी ऊपर जाती थी, इसमें भी कैरी ऊपर जाएगी। 9 + 1 = 10, + 5 = 15, 15 का 5 कैरी, यहाँ 4 + 1 = 5। तो इस तरह से आपको पेज नंबर 152 और 153 को फिल करना है। उसके बाद आएंगे आपके माइनस के सम, ये आपको पर डे के हिसाब से करना है। यदि वीडियो ना भी आए तो आप पर डे एक पेज करोगे, पहले 152, फिर 153, 154, 155, 4 दिन का काम है ये आपका। जैसे ये है लेस वाला सम, ये क्या है, सिंपल जैसे हम पहले लेस करते थे वैसे ही लेस करेंगे। 6 - 6 = 0, 8 - 3 = 5, 3 - 2 = 1, केजी, क्योंकि ये किलोग्राम में है, केजी का मतलब होता है किलोग्राम। ठीक है, तो ये किलोग्राम वाले सम है, ये ग्राम वाले हैं, ग्राम वालों के पीछे ग्राम ही लगाना है और किलोग्राम के पीछे किलोग्राम। लेस जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है, सिंपल लेस करके और फिर पीछे ये ग्राम ऑलरेडी लगा हुआ है, ये ग्राम लगाना है। ठीक है, 55 तक आप सॉल्व करोगे। उसके बाद ये है स्टेटमेंट वाले सम, वर्ड प्रॉब्लम, ये मैं आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगी बाद में। अभी आप केवल पेज नंबर 155 तक बुक में भी फिल करोगे और इन्हें नोटबुक में भी करोगे। ठीक है,